अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम होंगे एक नए व्लॉग के अंदर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होंगे जी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और अभी भाई हम जा रहे हैं उस्मान चौक। उस्मान चौक भाई हम लोग इसलिए जा रहे हैं भाई हम लोगों ने अपने खरगोश के लिए लेना है, थोड़ा बहुत उसको खाने लेने भाई। सब्जियाँ खाते हैं छोटे अच्छी ने, तो उसको वो देंगे हम लोग भाई। क्या बोलते हैं, बन गोभी देंगे एक फूल, उसका बन गोभी एक फूल देंगे खरगोश को भाई। मैं खरगोश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारा जो खरगोश था ना वो मर चुका है। वो मतलब पता नहीं क्या हुआ यार, ऊपर मैं आज गया हूँ छत को तो उसने मुझे बॉडी मिली है। और मेरा जो काफ़ी ज़्यादा दिल क्या बोलते हैं भाई, स्क्रिप्ट तैयार सीधा लगता नहीं है मेरा, जो स्क्रिप्ट राइटर जो है वो लगता नहीं है तरीके से। तो भाई मेरा काफ़ी दिल उदास हुआ है। तो अभी भाई चलते हैं हम लोग सीधा उस्मान चौक को अपने खरगोश के लिए, वो लेते हैं बन गोभी का फूल। और भाई यहाँ पे मेरे साथ हैं दूर सर भाई, ये भी हमारे जो है पार्टनर ही बन गए यार ब्लॉग का। ये भी अभी हमारे ब्लॉग में आते हैं 24 आवर्स। तो भाई अभी हम लोग चलते हैं सीधा उस्मान चौक को भाई, चलते हैं उस्मान चौक। चलो सामने जो है आ ही गए यार। ये कौन जा रहे हैं सर जी, मुझे आगे जाने दीजिएगा प्लीज़। और आज ऐसे मुझसे हेप गया भाई घूमने के लिए और मुझे नहीं बताया उन लोगों ने, लेकिन चलो यार कोई बात नहीं, मैंने मरना नहीं है ना। वो जहाँ पे घूमने लगे वो काफ़ी खतरनाक जगह है, तो उनको ये ऐसी एडवेंचर करने का शौक़ है, मुझे ऐसी चीज़ें करने का शौक़ नहीं है। तो मैंने कहा मैं घर पर होता हूँ बेहतरी है कि जिंदगी ये सबसे कीमती अच्छा जान है तो जहान है, ठीक है। तो अभी भाई हम लोग जाते हैं भाई अपने खरगोशी के लिए, पहले वो लेते हैं बन गोभी का एक फूल लेते हैं। चलो यार चलते हैं हम उसका वेजिटेबल शॉप पे। जो है अभी उस्मान चौक से गोभी शोभी ले ली है, अभी भाई हम लोग चलते हैं घर को और इसको काटते हैं चॉप करते हैं और इसको जो है अपने खरगोश के सामने पेश करते हैं। उसके पास थोड़ी बहुत ताजियत भी कर लेते हैं यार। हाँ मैं गया नहीं हूँ उसके पास सुबह से, सुबह के बाद, तो फिर अभी जाऊँगा उसके पास, थोड़ी बहुत ताजियत भी करूँगा, फिर उससे थोड़ी बहुत बातें भी करूँगा भाई। फ्रेंड तो मैं आ चुका हूँ अभी भाई, ज़्यादा देखते हैं ना खरगोश के लिए थोड़ी बहुत इसको गोभी को करते हैं भाई, हाँ निकालते हैं, फिर उसके पास जाते हैं उसको ये देते हैं भाई। तो यार यार एक मिनट, हाँ एक मिनट आ गए, ज़रा होल्ड कीजिएगा। ये देखें ये जो है आ चुकी है हमारी गोभी। चलो इसको चॉप करता हूँ, फिर जाते हैं खरगोश के पास, ठीक है। बस ये इसको जो है काटे और थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे ऐसी छोड़ दी, क्योंकि भाई इसको भी हम जो अभी देंगे ये वो है, और सुबह इसको नाश्ता देंगे, फिर इसका लंच भी होगा, फिर इसका डिनर भी होगा, वो सारा हो तो पता ही नहीं सरद का। चलो इस चीज़ को भाई हम लोगों ने पूरा का पूरा ख्याल रखना है यार, हाँ इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे खरगोश हो, कबूतर हो गए, और तोते परिंदे जितने भी हैं हम लोग हैं वो सारे, उन सब का मोहन जो है ख्याल रखना होता है। और भाई चलो अभी हम लोग चलते हैं इस खरगोशी से पता करने यार के ये भी ठीक हुआ कि नहीं हुआ। और भाई मौसम आप लोग देख सकते हो यार, काफ़ी मज़े का ज़बरदस्त किस्म का जो है मौसम। और वो देखो भाई हम लोग आए और वो सामने बैठे हुए यार, ये देखो मैं लाया कैसे करूँ और आ कौन रहे। और भाई तुम लोगों को पहले मंदिर करूँगा, फिर खरगोशी को निकालूंगा, फिर खरगोशी को ये दूंगा, ठीक है। तुम लोगों का इसमें कोई नहीं है, वो तुम लोगों को मैं जो बाजरा डाला था वो कहाँ है, देखो सारा खा पी गए हो, तो तुम लोगों को और बाजरा डाल दूँगा। इनको बाजरा भी डाल देते हैं थोड़ा बहुत यार, करना पड़ता है यार बाजरा। इनका जो है हम लोगों ने बाजरा भी थोड़ा बहुत डाल दिया। और चलो यार वो उस खरगोशी को तंग कर रहे हैं यार, उस खरगोश को तंग कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं यार ये कौन आ जाते हैं मेरे पास रोज़ कैमरा लेके। हाँ भाई फिक्र नहीं कर, मैं डेली ब्लॉगर तो नहीं हूँ, नहीं तो बड़ा यूट्यूबर हूँ, क्योंकि किस लिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब दबा दो, सब्सक्राइब को दबाओ दबाओ दबाओ, सब्सक्राइब बटन लास्ट में दबाना, ठीक है यार। चलो पहले इनको मुर्गियों को करते हैं हम लोग साइड पे। खरगोशी तुम कहाँ जा रहा है? अबे तो खरगोशी भी अंदर चला गया यार, बस खरगोशी को निकालते हैं पहले बार, कहाँ गए यार नज़र नहीं आ रहा यार, बहुत तेज़ हो गायब हो गए। चलो खरगोशी को भी हम लोग ढूंढते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, इन मुर्गियों को हम लोगों ने अंदर ही रखना, ठीक है। मैं बाहर तो ले आऊँ, लेकिन अभी मैंने इसका फूड वहाँ पर रखा, ये फूड नहीं खा रहे, क्या बात है भाई। भाई देखो ये कितना तेज़ है, और को ना मैं समझता हूँ तुम्हारा मसला यार, को एक मिनट तुम ना तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए एक नई दोस्त लेके आऊँगा, तुम्हारे लिए एक नई दोस्त लेके आऊँगा, ठीक है। अबे यार रुको ना यार, ओए ओए उधर नहीं जाओ यार दोस्त को, गुस्सा तो फिर वहाँ से निकलता है या यहाँ से निकलता है। हाँ इसका जो है ये गेम लगा रहता है यार इसका, हाँ ये
क्यों? क्योंकि ये मेरा खरगोशी है, ठीक है। और चलो यार अभी देखते हैं इसका, हम लोग कैसे इसको फूड खिलाएं, करते हैं यार इसका कुछ करते हैं, ठीक है। जो है मैं उसका खाना तो रखा हूँ उसके केज में, लेकिन मैंने जो है मुर्गी बंद कर दिया वो, क्योंकि मुझे लगता है कि मुर्गी उसका खाना खा जाएंगे, तो उसको जो है मैंने उसका खाना अलग रख दिया। और उम्मीद है कि अभी वो जो है थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होगा खाएगा, क्योंकि भाई ये थोड़ा बहुत डर जाते हैं ना, जैसे मैंने होता है ये थोड़ा बहुत डरते हैं। और क्या ही बताऊँ अभी यार उनको आगे, यार चलो देखो आगे जो भी होता है ब्लॉग में, ठीक है। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। मैं और आसिम पढ़ के आए थे जी इशा की नमाज, और यहाँ मगरब, और यहाँ पे आप लोग देखें कि भाई पाकिस्तान के झंडे आ गए हैं भाई, क्योंकि अगस्त आने वाला है ना, और अगस्त में क्या होते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, यानी कि अपना 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अरे भाई हम लोग जा रहे हैं इसलिए अपने घर को, और भाई क्या करें अभी सेवरों को उनके मदरसे में छोड़ा है हम लोगों ने, और आज जो है ना मुहर्रम है, तो इसी वजह से एक कुछ लाइन से मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कोसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कोसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उसी से जिसके दिल में हुसैन होगा।